नमस्कार दोस्तों सो टुडे वी विल बी टॉकिंग अबाउट सम फैक्ट्स सम गुड न्यूज़ अबाउट इंडिया ओके सो इंडिया इज मेकिंग इट्स फर्स्ट एशियाज फर्स्ट फ्लाइंग कार ओके सो व्हाट आर द की फीचर्स ओके जस्ट सी द डायग्राम ओके एट आई कुडंट ब्रॉड द पिक्चर फॉर यू ओके द पिक्चर इज ऑन माय लैपटॉप बट as you can see i have drawn the diagram okay how the electric of the vehicle will look like okay it's it will be an electric or biofuel run vehicle okay so when did this happen okay there is this chennai startup okay a startup in chennai called as binata aeromobility okay so they have come up with a prototype what prototype which prototype prototype means a small model साइंस में प्रोजेक्ट करते होंगे छोटा हम लोग प्रोजेक्ट बनाते हैं सो का प्रोजेक्ट बनाते हैं या हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बताने के लिए हम लोग एक छोटा सा प्रोजेक्ट करते हैं ना इसे हम लोग एक मॉडल कहते हैं आर्किटेक्चर की भाषा में उसे हम लोग मॉडल बोलते हैं ओके वी कॉल इट एज मॉडल और वी कैन वी कॉल इट एज अ प्रोटोटाइप प्रोटोटाइप मीन्स द सेम बिग बिगर मॉडल दे विल कंस्ट्रक्ट इन नियर फ्यूचर ओके सो वॉट ऑल आर द की फीचर्स First, I would like to tell you about that uh, from 5th of October to 6th of October 2021, there will be this Helitech Expo 2021, which will be held in United Kingdom, okay? And it's United Kingdom's most greatest and the most valuable expo of the aviation sector, okay? So, in this uh, expo, the company is going to show this prototype.

उनको ये प्रोटोटाइप बताया गया ये कंपनी वालों ने ओके और उनको ये आइडिया बहुत अच्छा लगा ओके तो इन्होंने एक पहले भी स्टार्ट किया था एयर टैक्सी जो चंडीगढ़ से अपना देहराडून जाती थी ओके बीच में स्टार्ट किया था कोरोना काल में पर छः महीने में ये बंद हो गई क्यों बंद हो गई क्योंकि उनको मिले भी नहीं पैसेंजर्स नहीं मिले और क्या है ना इसको जो है उड़ान टेक ऑफ के लिए टेक टेक ऑफ या लैंडिंग के लिए उसको ना बहुत सारा रनवे लगता था ओके ऐसे प्लेन में रनवे होता है वैसे यहाँ पे भी उनको रनवे की ज़रूरत पड़ी थी सो so, इसलिए वो ज़्यादा चल नहीं पाया ओके पर ये जो है ना ये अलग है ये एक फ्लाइंग कार है इसको किसी की भी ज़रूरत नहीं है इसको ये ऐसे सीधा उड़ जाएगा कैसे उड़ेगा ये और इसमें जो है ना चार ये रहने वाले चार रोटर ब्लेड्स रहने वाले इसके मैकेनिक्स के बारे में देखते ओके ऐसा कार रहने वाला इसमें चार पहिए रहने वाले ओके फोर व्हील्स एंड देर विल बी रोटरी ब्लेड्स विच रोटरी ब्लेड्स वन टू थ्री फोर ये जो पर्पल में मैंने बताया ना द पर्पल दर्पल दे आर द रोटरी ब्लेड्स ओके <coughs> देखिए ये जो है रोटरी कॉन्फिग्रेशन से चलने वाला है रोटरी कॉन्फिग्रेशन को एक्सेल क्वाड रोटर इसका मतलब क्या है को एक्सेल मतलब क्या दो दो एक्सेल वाला दो एक्सेल वाला मतलब ये एक्सेल है इसको बोलते हैं जो बीच में रहता है ना डंडा उसको एक्सेल बोलते हैं ओके और को एक्सेल क्वाड क्वाड मतलब क्या चार हम तो लोगों ने, ने पढ़ा था क्वाड इंडिया ऑस्ट्रेलिया यूके ऑस्ट्रेलिया इंडिया ऑस्ट्रेलिया जापान और यूएस ये बना था क्वाड का ग्रुप बनाता ओके तो ये क्वाड नहीं है वो क्वाड नहीं है क्वाड मतलब चार ओके चार देश मतलब ये यहाँ पे भी चार रोटरी ब्लेड्स मतलब एक दो तीन चार चार एक्सेल वाला वन टू थ्री फोर चार एक्सेल वाला और उसमें ब्लेड्स कितने लगाए हैं दो ऊपर नीचे एक ऊपर नीचे मतलब एक बंद हो गया तो नीचे वाला चलेगा राइट तो कितना हुआ आठ ब्लेड्स चलेंगे पंखे के ओके इसमें ऐसे सेफ्टी फीचर्स लगाए जाएंगे कि अंदर के व्यक्ति जो है ना मतलब अगर कुछ भी अगर इनकेस इमरजेंसी हुआ किसी व्यक्ति को निकलना होगा इसमें से तो ये सीधा बटन दबा के इसमें से निकल जाएगा और पैराशूट के यूज़ से ये नीचे आ चला आएगा ओके इसका जो कार वेट जो है ना ग्यारह सौ के रहने वाला है ओके और ये उठाने की क्षमता इसकी है तेरह सौ किलो की यहाँ पे मैंने दिया गया और इसमें से क्या है ना आपको पूरा थ्री हंड्रेड डिग्री पैनरोमिक व्यू पैनरोमा पता है आपको कैमरा में हम लोग सेट करते हैं पैनरोमा मतलब सीधी फिल्म आपको ऐसे पूरा तीन डिग्री दिखाया जाएगा ऐसा तो टोटल थ्री डिग्री रहता है तो आपका जो सिक्सटी डिग्री पीछे का छोड़ के थ्री डिग्री का आपको व्यू मिलेगा पीछे तो बंद रहेगा ना है ना आपको 300 डिग्री का आपको व्यू मिलेगा अच्छे से ये या तो इलेक्ट्रिक फ्यूल से चलेगा या ये बायो फ्यूल से चलेगा बायो फ्यूल के बारे में हम लोग एक अच्छे से एक सेशन लेने वाले हैं ओके बाद में तभी मैं आपको समझा दूंगा बायो फ्यूल के बारे में ओके तो इलेक्ट्रिक फ्यूल आप समझ गए फिर दूसरा इसका बुलेट ट्रेन जैसा फ्रंट चेसिस चेसिस चेस मतलब क्या ये जो इसका बनावट है आगे वाला वो बुलेट ट्रेन की तरह दिखने वाला है ओके अब ये कितना ये सफल होगा पता नहीं बुलेट ट्रेन भी बनने वाली है और ये भी साथ साथ बनने वाला है ओके तो बहुत इंडिया आगे जाने वाली है इंडिया इज रूल इन दिस टेक्नोलॉजी सेक्टर ओके साइंस एंड टेक्नोलॉजी में रूल करती है इंडिया अभी इसके ये डूअल विंग्स है डूअल विंग्स मतलब दो विंग्स रहने वाली है तो मैंने बता दिया आपको ओके दूसरा और एक खास बात क्या है इसमें इसमें एक डिस्ट्रीब्यूटेड इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन होने वाला है ये मैकेनिकल इंजीनियर वालों को सब पता है ये बारे में ओके जो हमारे मैकेनिकल इंजीनियर के विद्यार्थी है उनको ये सब पता होगा इसके बारे में है ना तो मैंने पढ़ाया भी था इसके बारे में इलेक्ट्रिक प्रपोलशन के बारे में कि ऐसे चलता है डिस्ट्रीब्यूटेड इलेक्ट्रिक पपोलशन मतलब क्या सीधी सीधी टर्म्स में मैं बताऊंगा इतना बड़ा चढ़ बड़ा ऐसा बिग नोट करके नहीं बताने वाला छोटा शॉर्ट में बताने वाला ओके जब हमारे लेक्चर्स चलते जब तब स्टूडेंट्स ध्यान देंगे तब आपको पता चलेगा ओके इसका क्या मीनिंग है डिस्ट्रीब्यूटेड इलेक्ट्रिक पोपोलेशन मतलब क्या ये जो इसके मोटर ब्लेड्स है वो अलग अलग मल्टीपल मोटर्स लगाए गए इसमें ओके एक मोटर बंद तो दूसरी मोटर चलेगी इसकी वजह से क्या है ना सेफ्टी मिलती है पैसेंजर्स को इतना आप याद रखिए कि डिस्ट्रीब्यूटेड इलेक्ट्रिकल प्रपोलशन ऐसी चीज़ है इससे जो प्लेन है ना वो उड़ता है ओके और इसमें कुछ भी खराबियाँ है आती हैं अगर कुछ भी ब्लेड अगर बंद होता है या मोटर बंद होती है तो आपको क्या है ना इसमें जो है दूसरे बहुत सारे ऑल्टरनेटिव मिल जाते हैं ओके एक मोटर बंद दूसरा मोटर चालू हो जाता है ओके इसमें एक ऐसे सर्किट्स से से या सेमी कंड से, सेमी कंडक्टर्स बिठाए गए कि आपको मतलब इतना सेफ्टी देगा ना कि पूछो ही मत क्योंकि ये गिरने नहीं वाला बहुत अच्छा प्रोटोटाइप इन्होंने उन्होंने है इसलिए इसको जो है बाहर के एक्सपो में बताने वाले ओके तो बहुत सारी निवेश इन्वेस्टमेंट भी आने वाली है इसके लिए ओके और ऊपर से क्या है इंज... ये देखिए ये तो मैंने सब बता दिया आपको इंज... इंजेक्ट इंजेक्ट्स विथ पैराशूट ओके पैराशूट से पूरा इंजेक्ट भी हो जाएगा आपको कुछ ज़रा भी ज़रा सी भी हल्की सभी चोट नहीं लगेगी आपको ओके ये सब मैंने आपको बता दिया है ओके जो हमारे जो ड्रोन रूल्स अभी निकले ड्रोन रूल्स 2021 के हिसाब से ओके उस हिसाब से ये एक बहुत अच्छा एक एयर टैक्सी एयर टैक्सी जिसे बोलते हैं ना एक एयर टैक्सी की तरह काम कर सकता है ना अभी ट्रैफिक रहेगा आप ट्रैफिक में फंसे हो अरे अभी कैसे जाएंगे तो इसको कॉल करने का सीधा एयर टैक्सी ये सीधा आ जाएगा उधर लैंड करके इसको पैसे देने के चलो अभी मेरे को इधर से उधर जाना है अच्छा साठ मिनट में मेरे को पहुंचा दो उधर सीधा ऊपर जाएगा सब लोग आपको देखते रहेंगे और रे तो चला भी गया तो ऐसी चीज़ें बहुत बहुत चलने वाली है क्योंकि क्या हमारे जो रोड्स है वहाँ पर वहीक्यूल ट्रैफिक इतना बढ़ने वाला है राइट तो ये जो है ना इसके अलग अलग जोन्स बनाए जाएंगे जोन्स बनाए भी है उसके बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे तो कैसे ये लोग फ्लाई कौन से फ्लाई जोन में जा सकेंगे ओके कुछ कुछ रिस्ट्रिक्टेड एरियाज है वहाँ पे ये उड़ नहीं सकेंगे ओके तो वहाँ पे ये ज़्यादा चलेंगे सब एरियाज़ में मुंबई के सब एरियाज़ में राइट सिटी एरिया में चलना मुश्किल है क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिस है एटॉमिक से मतलब रिसर्च सेंटर्स बहुत सारे तो आ, हमें जो है आ, जो ड्रोन रूल्स है उसके हिसाब से चलना पड़ेगा राइट और ये जो है ना फर्स्ट फ्लाइंग कार होने वाली है इंडिया फर्स्ट फ्लाइंग कार ओके सो वी हैव टू बी वेरी प्राउड अबाउट प्राउड अबाउट दिस दैट such a thing has happened we have done an advancement in technology science and technology sector okay so next session we will talk about the new things okay thank you so much